हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग व्यवसाय दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और फैक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोस्तों जब तो हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की तो स्केलर क्वांटिटी में हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन यानी स्केलर क्वान्टिटी में मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है जबकि फैक्टर क्वान्टिटी में हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस होती है जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं स्केलर क्वांटिटी में स्पीड जबकि वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी में मास वेक्टर क्वांटिटी में वेट फिर स्केलर क्वांटिटी में एनर्जी फिर वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की स्केलर क्वांटिटी में डेंसिटी जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग बात करेंगे फोर्स की स्केलर क्वांटिटी में पावर वेक्टर क्वांटिटी में इंपल्स इसी तरह से स्केलर क्वान्टिटी में हम बात करेंगे लेंथ एरिया वॉलूम की जबकि वैक्टर क्वांटिटी में बात करेंगे प्रेशर की स्केलर क्वांटिटी में बात करेंगे टाइम की जबकि वेक्टर क्वांटिटी में बात करेंगे मोमेंटम की इसी प्रकार स्केलर इस क्वांटिटी में बात करेंगे टेम्परेचर की और वेक्टर क्वांटिटी में बात करेंगे ग्रेविटी स्केलर क्वांटिटी में वर्क और वेक्टर क्वांटिटी में ड्रैक अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी के पॉइंट की तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसमें हम लोग डिस्टेंस स्पीड मास, एनर्जी, टेंसिटी पावर लेंथ एरिया वॉल्यूम टाइम टेम्परेचर एंड वर्क बाकी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है और इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेट एक्सेलरेशन फोर्स इम्पल्स प्रेशर momentum, gravity and drag. Thanks for watching and sharing.